एवरीवन, आई एम शिमई। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ मेरा लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। होप आप लोग को ये वाला मेरा व्लॉग पसंद आए। तो आज जो है ना, मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी पे रुकी थी, और फिलहाल जो है मैं थोड़ा सा पानी दे रही हूँ प्लांट को। और जब मौसम अच्छा रहता है ना तो लगता है कि दिन अच्छा जाने वाला है। तो आ गई हूँ मैं किचन पे, और आज मैं आप लोग के साथ दो यम्मी सा लेकिन थोड़ा सा हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पकोड़े वाली कढ़ी और उसके साथ एक फ़िश की रेसिपी। तो फिलहाल चलिए बनाते हैं पकोड़े फॉर कढ़ी। और ये जो पकोड़े हैं मैं बिना तले हुए बना रही हूँ, तो जो कढ़ी है थोड़ा सा हेल्दी बनने वाला है। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ बेसन, उसमें ऐड की हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च का पाउडर, और उसमें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। फिर मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक को भी कूट के दे सकते हो। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, फिर थोड़ा सा जो है चाट मसाला, आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी दे सकते हो। अब मैं इस यहाँ पे ऐड की हूँ नमक और थोड़ा सा जो है अजवाइन यानी कि कैरम सीड। जब भी आप कोई भी चीज़ बेसन का बनाते हो तो ज़रूर उसमें कैरम सीड डालिए, उससे डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच दही, और फिर छोटा छोटा कट किया हुआ प्याज, और उसको जो है हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप थोड़ा सा पानी दे के भी उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो बैटर हो गया है। लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड की हूँ थोड़ा सा शुगर, और ये रहा हम लोग का बैटर का कंसिस्टेंसी। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। और जैसा कि मैं बताई थी, मैं इसको फ्राई नहीं करने वाली हूँ, तो मैं इसको जो पनियरम पैन होता है ना उसमें थोड़ा सा तेल डाल के उसको बैटर को ऐड कर दूंगी। तो पकौड़े जैसा भी होगा लेकिन बिना फ्राई किए हुए होगा। अगर आपके पास ये वाला पैन नहीं है ना तो आप नॉर्मली कोई तवा पे भी ना, मोटा सा जैसे चीला बनाते हैं ना उसी टाइप का भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मोटा रखिए। और जब हो जाएगा उसको छोटे छोटे पीस में कट करके तभी भी आप जो है कढ़ी में डाल सकते हो। तो देखिए, इसको मुझे अभी 4 से 5 मिनट तक पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको कुक करना है, वरना आपका जो पकौड़े है वो कच्चा हो जाएगा, और फिर जो है आप उसको फ्लिप कर दीजिए। और नॉर्मली ना ये जो कढ़ी होता है मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर पे कभी नहीं बनता था, लेकिन मेरे नानी के यहाँ ये बहुत बनता है। स्पेशली मेरे नानी की हाथ की कढ़ी यानी कि मेरी माँ के हाथ की कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। तो ये एग्जैक्टली वो रेसिपी नहीं है, लेकिन मेरी नानी भी जो है ना बिना फ्राई किए ही वो बनाती हैं। कभी उनकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी। तो उसके लिए मैं ली हूँ 2 से 3 चम्मच बेसन, उस पर ऐड कर रही हूँ करीबन 3 से 4 चम्मच होगा दही, और उसको अच्छे से फेंट लीजिए। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए, तो उसको अच्छे से फेंट के थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिए। अब एक कढ़ाई में ले रही हूँ मैं तेल, मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी तेल ले सकते हो। जब तेल गर्म हो जाएगा अब मैं यहाँ पे प्याज को ऐड कर रही हूँ, और मैं प्याज को जो है ना लंबा लंबा काट के उसको भून रही हूँ। आप यहाँ पे ना पहले जो है स्पाइसेस यानी कि छौंक भी डाल सकते हो। मैं पहले ये ऐड की और बाद में भूल गई थी, तो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो देखिए मेरा प्याज थोड़ा सा भून गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो पंचफूरन होता है यानी कि जो अचार का जो मसाला होता है ना, 5 स्पाइसेस, वो ऐड की। थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड सीड्स एक्स्ट्रा, और एक सूखी लाल मिर्च। आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो जब पकोड़े बनाते हो ना, मैं नहीं ऐड की थी। और उसको भी आपको अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे ऐड कीजिए हींग। हींग डालने से कोई भी कढ़ी में ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और खुशबू आता है। अब थोड़ा सा ऐड की करी लीव्स और एक तेजपत्ता यानी कि बे लीव, और उसको भी भून लीजिए। जब वो भून जाएगा अब मैं यहाँ पे ऐड की हूँ कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको भी आपको अच्छे से भून लेना है जब उसका जो है रॉ स्मेल चला ना जाए। तो
अदरक लहसुन जो है वो भून चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सौंफ का पाउडर। तो मेरे पास सौंफ का पाउडर नहीं था, तो मैं क्या की हूँ ना, सौंफ को थोड़ा सा कूट के डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा जो है जीरा। जैसे कि मैं बताई थी, आप डायरेक्टली ना पहले ही तेल में जो है जीरा, सूखी लाल मिर्च, पंचफूरन और फिर हींग डाल सकते हो, लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे डाली हूँ थोड़ा सा जीरा और एक बड़ा चम्मच जो है धनिया का पाउडर, और उसको अच्छे से भून दीजिए। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और अगेन थोड़ा सा हल्दी, मुझे कम लगा तो वो ऐड कर दी, और उसको अच्छे से भून लीजिए। जब वो भून जाएगा, अभी हम लोग जो दही और बेसन को घोल के रखे थे ना, वो ऐड कर दीजिए। और जब आप ये वाला मिक्सचर ऐड करेंगे ना, आप उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिए, चांसेस है कि वो थोड़ा सा फट सकता है, तो गैस का जो फ्लेम है थोड़ा सा लो टू मीडियम में रख के उसको कंटिन्यूअसली स्टेयर करते रहिए। और इस स्टेज पे मैं जो है पानी ऐड कर दी, आपको कितना ग्रेवी चाहिए। नॉर्मली जो कड़ी का ग्रेवी होता है ना, वो थोड़ा सा पतला ही रहता है, क्योंकि आपको कड़ी को जो है ना बहुत पकाना रहता है। करीबन आप जितना पानी ऐड करोगे ना, उससे हाफ तक आपको उसको पकाना है बॉईल कर कर के। और जब भी आप पकोड़ा डालते हो, तो कड़ी का जो है नॉर्मली जितना कंसिस्टेंसी रहता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक बार कड़ी में उबाल आ जाएगा ना, तभी आप इस पे ऐड कर दीजिए नमक और 1 चम्मच चीनी। चीनी से जो है ना उसका स्वाद बहुत ही बैलेंस होता है। तो ये देखिए, हम लोग का कड़ी जो है बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी यानी कि उसका क्वांटिटी भी कम हो गया है। इसी स्टेज पे जो है ना, मैं पकोड़े को भी ऐड कर दी, और उसको एक बार चला दीजिए और कवर करके ढक दीजिए 5 से 10 मिनट तक, जब तक आपका जो पकोड़ा है वो सॉफ्ट ना हो जाए। और जब भी आप पकोड़ा डालते हो ना, पकोड़ा जब डालते हो, उसके थोड़ी देर के बाद जो है आपका ग्रेवी थोड़ा सा थिक होने लगता है। तो जब आप खाने नो आपको खाना रहता है ना, तभी आप पकोड़ा डालिए, वरना जो है आपका ग्रेवी बहुत सूख जाएगा। तो हम लोग का जो कड़ी है ऑलमोस्ट बन गया है। लास्ट में मैं एक टेम्परिंग यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं एक पैन में ली हूँ देसी घी। घी गर्म होने के बाद ऐड की पंचफूरन, थोड़ा सा हींग और 2 सूखी लाल मिर्च, और उसको बस 1 मिनट तक फ्राई करके हम लोग को जो कड़ी है ना, उसके ऊपर हमें डाल देना है। और कड़ी में मैं थोड़ा सा जो है धनिया पत्ता भी ऐड कर दी थी। तो ये देखिए, हम लोग का जो है हल्दी येट बहुत ही यम्मी सा जो है कड़ी बन के तैयार है। तो जो नेक्स्ट रेसिपी है वो एक फिश की रेसिपी है। तो मैं यहाँ पे ली हूँ सैल्मन फिश, और उसको जो है थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट करके रखी थी 15 से 20 मिनट तक। और उसको जो है ना बिना फ्राई किए हुए यानी कि डीप फ्राई किए हुए मैं थोड़ा सा सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो एक पैन में थोड़ा सा मैं मस्टर्ड ऑयल ली, और उसको बस 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। ये जो फिले रहता है ना, इसमें कांटा नहीं रहता है, और सैल्मन फिश जो है ना बहुत जल्दी भी कुक हो जाता है। तो ये देखिए, हम लोग का फिश जो है कुक हो गया है, विदिन 2 to 3 मिनट्स ही हो गया है। अब हम उसका जो है मसाला बनाएंगे। तो सेम पैन में ही मैं ले रही हूँ थोड़ा सा खड़े गरम मसाले यानी कि तेज पत्ता, लौंग, सिनेमन स्टिक और एक इलायची, और लंबा लंबा कटा हुआ प्याज, और उसको अच्छे से भून रही हूँ। और आपको प्याज को है ना ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट ही भून लीजिए। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा भून गया था। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कटा हुआ शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। मेरे पास सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम था, तो मैं सिर्फ ग्रीन डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोई कलर कैप्सिकम है, तो वो भी आप ऐड कर सकती हो। और बेसिकली जो है ना, ये हम लोग का ग्रेवी नहीं बनने वाला है, काइंड ऑफ लाइक स्टेयर फ्राई ही बनने वाला है, ज़्यादा बिना तेल मसाले की ही। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको अच्छे से भून लीजिए। और यहाँ पे मैं ऐड की लंबा लंबा कटा हुआ एक बड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ किचन किंग मसाला और थोड़ा सा तंदूरी मसाला, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हो, या फिर कोई भी जो है करी मसाला ऐड कर सकते हो। और उसको बस 1 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि हमें अच्छे से इसका जो कोई ग्रेवी नहीं बनाना है ना, तो सारे वेजिटेबल्स बहुत जल्दी भी पक जाता है, और काइंड ऑफ हेल्दी वर्शन भी है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ अगेन ऑनियन,
क्योंकि मेरा ऑनियन जो है थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, तो मुझे थोड़ा सा वो क्रंची बाइट चाहिए था। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए, और बस बहुत ही थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि जितने भी मसाला जो है ना वो सूख ना जाए, और जब हम लोग फिश डालेंगे ना उसमें सारा जो मसाला जो है वो कोट हो जाए। तो ये देखिए हम लोग का मसाला अच्छे से भुन गया था, तो लास्ट में मैं जो फ्राई करके रखी थी फिश वो ऐड कर दी। उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और बस कवर करके ना उसको बस 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही कुक करने दीजिए। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ही फिश हो गया है। लास्ट में मैं थोड़ा सा ऐड कर दी गरम मसाला, और अगर आप चाहो ना इसमें थोड़ा सा इनो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाली थी। और ये देखिए हम लोग का सिंपल सा फिश फ्राई विथ वेजिटेबल्स बन के तैयार है। बहुत ही कम तेल में बिना फ्राई किया हुआ बन जाता है, और बहुत ही क्विकली भी बन जाता है। लास्ट में मैं थोड़ा सा गार्निश की हूँ धनिया पत्ते के साथ, और आप चाहो तो इसको राइस के साथ खा सकते हो, या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हो। हम लोग जो है राइस के साथ खाते हैं नॉर्मली, कोई भी नॉन वेज हो तो मैं साइड बाय साइड जो है थोड़ा सा राइस भी बिठाई थी। और हम लोग की जो कड़ी भी पहले से बन के तैयार है, और दोनों ही आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही यम्मी बना है, और काइंड ऑफ हेल्दी वर्जन है। तो ये देखिए आज का हम लोग का लंच थाली राइस विथ कड़ी पकोड़ा, और उसके साथ फिश, और एक पालक यानी कि स्पिनच की जो साग है वो। तो ये था आज की हम लोग की लंच थाली। और मेरे हस्बैंड जो है ना कड़ी पकोड़े उस टाइप का कुछ खाते नहीं है, लेकिन उनको भी बहुत पसंद आया था। तो अगर आप लोग चाहते हो तो ये रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। शाम हो गया है, और अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए निकले हैं वॉक पे। जैसे कि मैं पहले बताई थी मेरे व्लॉग में, आजकल जब भी वेदर अच्छा रहता है ना तो हम लोग वॉक के लिए थोड़ी देर निकल आते हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही। और प्रिशा भी अपने जो है साइकिल यानी कि बाइक लेके आई है, उसका भी थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज हो जाता है इसी बहाने। तो गाइज़ अभी ना हम लोग थोड़ा सा वॉक पे निकले थे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अभी थोड़ी देर में घर भी चले जाएंगे। यार थोड़ा जल्दी निकल गए हैं, नॉर्मली हम लोग ना थोड़ा सा लेट निकलते हैं, यानी कि 8 बजे तक निकलते हैं या फिर 8 बजे के बाद ही निकलते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से ना बारिश हो रही थी तो हम लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। कल से जो है ना वेदर थोड़ा सा बेटर था तो कल निकले थे, लेकिन जैसे ही निकले ना मतलब फिर से क्लाउडी हो गया और थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी, तो इतना टाइम वॉक नहीं कर पाए। इसलिए आज सोची कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं, धूप है आप लोग देख सकते हो, तो इसलिए निकल आए हैं जल्दी। और जाने के बाद जो है खाना वाना खाएंगे, खाना बनाई भी नहीं हूँ, आप थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो बस आई होप आप लोग को ये वाला मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी रेसिपी अच्छा लगा है तो आप लोग रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आप सबसे मिलती हूँ मेरे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय।